गरम है, गरम है सच। जैसे आप सबको पता है कि लॉकडाउन चालू है और आप सब पूछते हैं स्नैप्स पे, इंस्टाग्राम पे, बहुत सारे स्नैप्स पे कि आप क्या करते हो पूरा दिन। जैसे कि आप सबको पता है कभी भी दूर तो ट्रैवल नहीं कर सकते, मतलब नॉर्मल, तो आज ऐसे सोचा कि क्यों ना घर पे थोड़ा कुछ खाना बनाया जाए। और सब लोग को ऐसे लगता है कि मैं हमेशा ऐसे अच्छे अच्छे मतलब कपड़े पहनती हूँ, ऐसे नखरे करती हूँ, सब मुझे वही बोलते हैं नखरे करती है, तो नखरे करती हूँ और घूमती हूँ। ऐसा नहीं है, मुझे खाना बनाना आता है बेसिक। पहले मैं जब मैं ऐसे मतलब घर पे रहती थी और कुछ काम धंधा नहीं करती थी तो मैं ऐसे रोज़ कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा बनाती थी। बट जब से मैंने, जैसे मैंने बोला कि मैं जब बॉलीवुड डांसर थी, तब मैं जब वो इंडस्ट्री में ज्वाइन हुई ना, तब से मुझे पता चला कि एग्जैक्ट बाहर का काम क्या होता है। तो फिर मैंने घर का काम करना थोड़ा स्टॉप कर दिया, इन द सेंस कि मेरा ऐसे थक जाती थी तो नहीं किया। तो तब से मैं ऐसे पिछले लॉकडाउन में मैंने कुछ बनाया था, मोमोज मैंने और सानू ने, और आज हम लोगों ने ऐसा डिसाइड किया है कि मम्मी के लिए ऐसे कुछ बनाएंगे। पर आज सोचा कि क्यों ना अभी मेरे मतलब ब्लॉग पे हम लोगों ने दो चैलेंज वीडियो की है, सो मैंने सोचा कि ये भी हम लोग चैलेंज में ऐसे कन्वर्ट करते हैं। सो हम लोगों ने अभी ये प्लान किया है कि प्लान तो किया है, मैं आपको अभी मैं सानू के घर पे जाके बनाऊंगी, तो मैं अभी सानू के घर पे जा रही हूँ, फिर फुर्सत में आपको बता दी। मतलब ये मेरे साथ ही थी, ओवर एक्टिंग। तो अभी मैं जस्ट सानू के घर पे पहुंच गई हूँ और देखा तो ये एक बोलने वाली थी छोड़ो। तो ये मेरी सिस्टर भी यहाँ पे आई है, दिख नहीं रही थोड़ी, क्या पता मैं ज्यादा ही गोरी दिख रही हूँ। ये करने वाले हैं कि आज हम लोगों ने सोचा कि मतलब मैंने ऐसे सोचा था कि मैं आज कुछ खाना बनाऊंगी, पर मैं खाना बनाऊंगी तो उसमें आप शायद थोड़े बोर भी हो सकते हैं या नहीं भी, बट हो सकते हैं। नहीं 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 नहीं, आज हम लोग अच्छी बातें करने वाले। सो क्योंकि लॉकडाउन चल रहा है, मुझे भी पता है कि आप भी थोड़े नहीं बहुत ज़्यादा घर पे बोर हो गए होंगे, क्योंकि मैं खुद हो गई हूँ। और आज मैंने मेरी सिस्टर को बोला, और सानू तो हमेशा मेरे साथ रहती है, तो सानू को आज मैं मेरे टीम में नहीं लूँगी। आज वो सानू रहेगी, चुप बस, आज सानू रहेगी रूपा की टीम में। हाँ, और ऋतुजा रहेगी मेरे। ऋतुजा तो वैसे अगर आप लोगों ने मेरे स्नैप और पहले लास्ट लॉकडाउन की स्टोरी देखी होगी तो ऋतुजा मास्टर शेफ है हमारे घर की, कुछ नया नया बनाती है। मेरी सिस्टर भी कुछ कम नहीं है, बट उन सबसे मैं तो बहुत ज़्यादा ही बेस्ट हूँ। तो आज हम लोग बनाएंगे थोड़ा बेसिक खाना, बेसिक नहीं, जो बनाना है बनाएंगे प्रॉपर, क्योंकि मेरी मम्मी टेस्ट करेगी और सानू की मम्मी, तो उन लोगों को ना ऐसे ज़्यादा मतलब ऐसे, मेरी मम्मी तो बाहर का कुछ नहीं खाती, कभी भी नहीं खाती, मतलब उसको कुछ पसंद नहीं है, तो उसको ऐसे बेसिक ही पसंद है। तो देखते हैं अभी हम लोग क्या बनाते हैं, और हम लोग सिर्फ एक डेढ़ घंटे के अंदर ये सब हमको बनाना है और उनको देना है खाने के लिए, तो हम लोग अभी स्टार्ट कर दें। सो लेट्स स्टार्ट। यस, ये ना ये ये इंस्टाग्राम से मिला मेरे को। तो अभी हम लोग है किचन में और मैं ऐसे ऊपर बैठी हूँ, मुझे घर पे भी ऐसे ही बैठ के ऊपर करना मजा आता है, मम्मी मुझे बहुत चिल्लाती है क्योंकि नहीं बैठना चाहिए, गैस भी रहता है। और जैसे कि रूपा और सानू गए हैं उसके घर पे और मुझे हेल्प करने के लिए, सिर्फ हेल्प मतलब ऐसे वो इसकी कुछ कुछ चीज़ें कहाँ पे हैं वो मुझे नहीं पता, इसलिए मुझे बताएगी ऋतुजा। सो हम लोग अभी, मैं बनाऊंगी, पहले आपको दिखाती हूँ, ये मिक्स दाल और ये राइस, और ये हम बनाएंगे आलू की सब्जी, और हम लोग बनाएंगे पूरी। तो मैं बेसिक ही बनाने वाली हूँ, ये सॉरी ये जूम हुआ था अभी। और अभी हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं, और वो लोग क्या बनाएंगे मुझे बिल्कुल नहीं आइडिया है, तो हम लोग पहले बनाएंगे फिर मम्मी को खिलाएंगे। तो अभी चलो बनाना स्टार्ट करते हैं, और बनाते बनाते मैं आपसे बहुत सारी बातें करूँगी। सो अभी हम लोग रूपा दीदी के घर पे आ गए, तो हम बनाने वाले हैं पुलाव, वेज पुलाव। हाँ। और उसके साथ हम पापड़,
अचार सलाद बनाएंगे और स्वीट में हम बनाएंगे खीर जो मम्मी और मौसी को बहुत पसंद है, तो देखते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। एक्सटेंशन में कट करना ना ऐसे कुछ भी बहुत ज्यादा मुश्किल है यार। पहले ना मुझे इजी होता था, अभी नहीं हो रहा। मैं अंदर काम कर रही हूँ और अंदर से ऐसे आवाज आया, क्या हुआ? तो रीवा ने किया है ये नया काम। तू रोज सानू के घर पे आके यही करती है ना? ये पागल, कुछ काम धंधा तो नहीं बट काम कुछ काम देता तो करेंगे नहीं, पर काम बड़ा नहीं है मेरी जैसी। चार तक की टाइम है, बस 4 बजे तक की टाइम है, तो जल्दी करो। मम्मी बेडरूम में दे। ये ना हम लोगों ने सोचा हमारा कुकर पे दाल और राइस थोड़ा ये हो रहा है, तो 10 मिनट का वेट करना है हमें, तो तब तक हम लोगों ने सोचा ये दोनों क्या कर रहे हैं देखते हैं। या ये बोल रही थी होटल से मंगाऊंगी, इससे तो बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो बटाटा बॉईल हो चुका है और दाल भी हो चुकी है और राइस भी बन चुका है हमारा, बट हम लोग उसका जीरा राइस बनाने वाले। मुझे ना सच बताओ, मुझे ना राइस बनाने नहीं आता, मतलब कुकर लगाने आता है बट उसका जो बोलते हैं ना पानी कितना डालना है, वो कितना डालना है, वो मुझे बिल्कुल भी नहीं समझता। गरम है ये गरम, तो आपका भी लॉकडाउन चल रहा है, मेरा भी लॉकडाउन चल रहा है। गर्म है, गर्म है सच में। और लॉकडाउन चल रहा है तो आपको भी पता है कि घर पे बैठे बैठे बहुत ज़्यादा बोर हो रहा है। लोग पूछते हैं कि आप क्या करते हो दीदी, आप क्या करते हो घर पे? तो मेरा ऐसा है कि मॉर्निंग में उठती हूँ, दोपहर को 4 बजे या 5 बजे हम लोग जाते हैं, फ़ोटोशूट करते हैं, फिर थोड़े वीडियोज़ बनाती हूँ, फिर घर पे जाती हूँ, फिर सानू शाम को वो एडिट करती है, उसके बाद फिर हम लोग सेम मैं रात को एक मूवी देखती हूँ, फिर सोती हूँ। आजकल यही चल रहा है। मैं ऐसे 2-3 दिन पहले ना मेरा मूड थोड़ा ख़राब था, सो मैं ऐसे घर पे मतलब किसी से बात नहीं कर रही थी और थोड़ी ऐसी सैड ही थी, मतलब कुछ काम करने का भी मेरा मन नहीं हो रहा था। फिर मैंने ना 2 दिन बाद ऐसे खुद को समझाया कि मतलब काम क्यों नहीं करना है और ऐसे क्यों हो रहा है। फिर मैंने ऐसे सोचा कि ऐसे चुप रह के, मतलब हम लोग ना बहुत ज़्यादा थिंक करते। मैं तो वैसे ही हूँ, अगर मैं एक जगह पे ऐसे बैठ गई ना तो मेरे दिमाग में ना ऐसे ऐसी ऐसी बातें आते हैं ना, उसका कुछ मतलब उसका क्या बोलते हैं उसको, उसका कुछ मीनिंग ही नहीं है, एकदम मीनिंगलेस। तो मुझे ऐसा है कि हम लोग ना ऐसे जो थॉट्स आते हैं ना हमारे दिमाग में, वो है ना हमें खाने के लिए उठते हैं। तो ऐसा भी नहीं कि मेरे लाइफ में कोई फ्रेंड्स नहीं है, बट अभी ऐसा हुआ ना कि फ्रेंड्स है और मैं लकी हूँ कि मेरे पास बहुत अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं, अच्छे मतलब 3-4 ही फ्रेंड हैं, जैसे कि रोहित ये वो सानू बिनू मेरे साथ रहते हैं। बट अभी ऐसा हुआ था ना थोड़े दिनों पहले, मुझे किसी से बात करने का मन नहीं हो रहा था, बहुत इरीटेड हो रहा था, और फिर मैंने सोचा कि ये लॉकडाउन चल रहा है और लॉकडाउन के वजह से ही हम लोग के मतलब कुछ जो रेगुलर एक्टिविटी रहती है जैसे ट्रैवलिंग ये वो नहीं हो पा रहा है, तो मे बी उसके वजह से मुझे ऐसा था ना। और कि आप लोगों ने जैसे बोला था कि दीदी आप चैलेंज वीडियो करो, तो ये जैसे मैंने चैनल ओपन किया था ना तो तब से ऐसे कमेंट आ रहे थे, बट मैंने सोचा नहीं था कि इतने जल्दी बनाऊंगी, बट हाँ मतलब बनाना तो पड़ेगा। इसको छोटा करूँ क्या एकदम? बॉइल तो है वैसे भी, कट करती हूँ, तो फिर करना तो था, फिर करना पड़ा। और हाँ, जैसे कि मैं भी सोच रही हूँ अभी इतने दिनों में ऐसा थोड़ा कुछ भी मेरे मन में आता है तो मैं निशी को भी फोन करके बोलती हूँ, निशी यार मेरा दिमाग नहीं चल रहा, सालू आती है रेडी नहीं हुई, तो मैं बोलती हूँ यार मन नहीं, वो बोलते क्या हो रहा है तुझे, तेरा रोज ही मन नहीं हो रहा। बट मैं ऐसी नहीं हूँ रियल में, कि मुझे ऐसे चिल रहना पसंद है, मुझे मस्ती करना पसंद है, और मेरा मैं कैसे रोज बहुत ज़्यादा बातें करती हूँ, अगर मेरा थोड़ा भी मूड खराब है ना तो मेरे आजू बाजू जो भी है ना उनको पता चलता है, फिर तो नहीं। बट ये सेम रूटीन है ना, अभी वही काम रोज करो वही, और अभी किधर जा भी नहीं सकते, तो ऐसे थोड़ा दिमाग कहीं और ही जा रहा है, बट कोई नहीं हो जाएगा। सो आज ना
मैं बहुत टाइम के बाद बना रही हूँ ना, तो मुझे पता नहीं मैं कैसे बनाऊंगी, पर इतना तो है कि मम्मी मुझे पहले बोलती थी कि तू बहुत अच्छा बनाती है, और सब मुझे पूछते हैं, और सब मतलब मेरे दोस्त भी मेरा ऐसा मजाक उड़ाते हैं कि तू बनाती है कि नहीं बनाती, बट जो रोहित भी मेरे घर पर आता है तो उसके लिए कुछ तो बना के देती हूँ मैं, तो ऐसा भी नहीं कि मैं नहीं बनाती, बट बहुत टाइम के बाद। राइस रेडी हो चुका है, दूध भी उबल के रेडी हो चुका है, चॉपिंग भी ऑलमोस्ट डन हो गई है कांदा और सलाद के लिए, और गार्लिक जिंजर फ्राइड पेस्ट भी रेडी है, ड्राई फ्रूट्स कट करके रेडी है पीछे। अभी मैं वो घी में रोस्ट करूंगी ड्राई फ्रूट्स खीर के लिए। आपको लगता होगा नीता दीदी घर पे खाना बनाती होगी, क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना कि वो घर पे खाना बनाती है या नहीं। आता तो सब कुछ है, सबको आता है सबको, लेकिन मैं बनाती नहीं हूँ। पहले बनाती थी पर अभी उसके काम की वजह से उसको टाइम नहीं मिलता है, पर वो इतनी आलसी है ना, एक नंबर की आलसी है। वो अपना काम खत्म करके रूम में जाएगी, उसके कपड़े ये सब वो दूसरे दिन मम्मी पापा को उठाने पड़ते, इतनी आलसी है वो। खाना कब बनाएगी और कब खाएगी? सानू तो उसके साथ कितने साल, अभी तो सानू मेरे से ज्यादा उसके साथ रहती है। सानू को पता है क्या? सानू सब पता है मुझे। एक घंटे में बनाना इजी है, लेकिन ये शूट करके एक घंटे में बनाना बहुत हार्ड है। यस। कि नहीं, पर गोल गोल आने से कोई फायदा ही नहीं है क्योंकि इसको छापे करने। ओ, हमारे दूसरे कंपेटिटर्स आ गए हैं बेबी। हमारे कंपेटिटर आ चुके हैं खाना लेके अपना, ठीक है हमारा भी हो चुका है, हमारा भी हो चुका है। हम लोग चलो गरम गरम चाहिए था, हम लोगों ने बनाया सिर्फ अभी वो ऑयल मतलब तेल में, हम लोग भी गरम। हाँ चलो तुम्हारा सर्व करो बाय। तो अभी हम लोग सर्व करेंगे, हम लोग कर रहे ये नहीं घर। चलो सो ये है हमारा प्रॉपर बेसिक, इतना अच्छा लग रहा है हमारा। और मतलब दो डिश है, एक रूपा ने बनाई है सानू ने और एक मैंने और ऋतुजा ने। सो अभी ये इन लोगों को पूछेंगे कैसा लग रहा है। मम्मी कैसा वाटते तुम्हाला दोघींना? मस्त वाटते, किती छान बनवले। सो इन लोगों को अच्छा लग रहा है। मेरी मम्मी घर पे हमेशा मराठी में बात करती है, तो इसलिए मैं मम्मी से मराठी में बात कर रही हूँ क्योंकि वो लैंग्वेज में कम्फर्टेबल है। और अभी ये टेस्ट करेंगे, फिर हम लोगों को बताएंगे कि कैसा लग रहा है। चलो स्टार्ट। वाह खिचड़ी बना रही है वो तो मैंने बनाया वाह ये पण सुंदरच झाली हो खीर खीर आणि राईस ते एक नंबर अच्छा नहीं था मैंने पहले खीर खा ली ऑलरेडी खीर तो तू पर पड़ी थी तो खा ली है मैंने खीर ऑलरेडी खा ली है तो इतनी कुछ अच्छी नहीं थी ओके सो अभी हम लोगों ने इनको डिश दे दी है खाने के लिए। रीवा तुझे क्या पसंद आया? ये तो खा ही नहीं रही है। सो अभी हम लोग जैसे ये खा रहे हैं तो खाने के बाद मैं पूछूंगी कि कैसा लगा, और खीर तो मैंने पहले ही खा ली थी तो ठीक इतनी कुछ नहीं, और उसके बाद मम्मी को मैं पूछूंगी क्योंकि मैं हमेशा मम्मी को बोलती हूँ तू पार्शियलिटी करती है, तो देखते हैं आज मम्मी क्या बोलती है क्योंकि मम्मी को तो मेरे साथ रहना है उधर।
सो इन दोनों का खाके हो चुका है और ये सब भी खा रहे हैं अभी यहाँ पे बैठ के। तो हम लोग दोनों ने हम लोगों ने रूपा का भी खाया और मतलब मैं हमारा भी खाया तो बहुत अच्छा बना था दोनों का भी। तो ये लोग वैसे भी कंफ्यूज हो चुके हैं, मम्मी बोलो कौन सा कहा बेटा तुला बिरयानी नहीं एक का बोल एक का बोल एक का बोलो वो लोग नहीं बोल रहे बट हमें हम जीत गए थैंक यू। रीवा तूने सबसे ज्यादा क्या खाया? पूरी। तो यहाँ पे बहुत ज्यादा पंगे हो रहे हैं। कोई नहीं ठीक है। तो यहाँ पे जीत गए कोई नहीं है। दोनों ने अच्छा बनाया था तो दोनों ने अच्छा बनाया। यस क्योंकि मैं काम करती हूँ मम्मी को पता है। तो मेरी मम्मी ने मेरे को बिगाड़ के रखा है। वो है ना जब मैं उठती हूँ ना मॉर्निंग में तो वो मुझे चाय देती है टेबल पे लाके। फिर ऐसा सब मैं कुछ नहीं करती घर पे अभी सच में। तो कोई नहीं अभी हम लोगों ने ये ऐसे बनाया और आपको तो अभी पता चला होगा कि मुझे खाना बनाना आता है। सो ऐसे तो बहुत टाइम के बाद मैंने बनाया है और सच में दोनों ने भी अच्छा बनाया था। और मेरी मम्मी थोड़ी कंफ्यूज हो गई कि किसको हम लोग बोले कि अच्छा था। कोई नहीं क्योंकि मम्मी है तो मम्मी नहीं बोल सकती ऐसे। दोनों भी मतलब चारों भी उनकी बेटी है तो ऐसा नहीं बोल सकती ना पार्शलिटी कर रही है। पर एक का डिसीजन लेना चाहिए था पर कोई नहीं। और आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हमारे 700 के सब्सक्राइबर हो चुके हैं और इंस्टाग्राम पर भी 4 मिलियन हो चुके हैं। तो गाइज थैंक यू सो मच और थैंक यू माई फैन पेजेस के लिए। उन्होंने बहुत बार ऐसे बोला है कि हमारे एडिटिंग के ऊपर आप कुछ रिएक्शन वीडियो बनाओ तो मेकअप वीडियोस बनाओ ऐसे बहुत सारे आए बट बनाना है बट लॉकडाउन की वजह से थोड़ा समझ में नहीं आ रहा क्या बनाऊँ थोड़ा डिस्टर्ब हो जाती हूँ मैं। बट कोई नहीं अच्छे अच्छे कंटेंट बनाऊँगी। आप मुझे बताते रहना कमेंट्स में बहुत ज़्यादा प्यार देना और ऐसे ही हंसते रहो मुस्कुराते रहो। लव यू ऑल।